हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं पनीर मैक्रोनी की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में भी बहुत इजी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है ये पैन, आप पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं, जिसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल की जगह घी भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हींग। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ अदरक। ये मैंने जिंजर लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन, गार्लिक। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिल्ली। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इसको हम 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, हमने इसके 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और इसको हम 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये बॉइल्ड मैक्रोनी, जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। साथ ही हम ऐड कर देंगे पनीर, इसको मैंने बारीक इस तरीके से चॉप कर लिया है क्यूब्स में। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट, ताकि हमारे मसाले और ये मैक्रोनी पनीर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड कोरिएंडर और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इसको लो मीडियम हीट पे ही पकाया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। हमारी मैक्रोनी पनीर की सब्जी जो है बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब हम अपनी गैस जो है वो बंद कर, ये देखिए हमारी पनीर मैक्रोनी की सब्जी जो है बनके तैयार हो गई है। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।